तो चलो बच्चों, इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें क्या कहा जा रहा है कि देखो, अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर है, ठीक ना, एक वेक्टर जिसका नाम है फोर्स वेक्टर है सर, और लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में दिया हुआ है, और फोर्स वेक्टर की ना ही डायरेक्शन पता ना ही मैग्नीट्यूड पता है। तो ये कह रहा है जो थीटा है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, मतलब ये जो है अगर इधर अपना फोर्स वेक्टर है तो मोमेंटम जो है इससे कुछ थीटा डिग्री पर होगा, ठीक ना, ये एंगल थीटा है। तो हमें कहता है अंडर द एक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम एंड थीटा एंगल बिटवीन एट एनी गिवेन टाइम टी, मतलब किसी टी टाइम पर, ठीक है, टी टाइम पर हमें नहीं पता है वो टाइम कितना है, तो किसी भी टाइम टी पर हमें इनके बीच का थीटा की कैलकुलेशन करनी है। टाइम भी नहीं पता, अननोन है, तो किसी टाइम टी पे थीटा की कैलकुलेशन करनी है। तो अब देखो, थीटा की कैलकुलेशन करने के लिए किसी टाइम पे तुम्हें मोमेंटम वेक्टर तो यहाँ से पहले से हमें पता है प्यारे बच्चों, मोमेंटम वेक्टर यहाँ से दिया हुआ। मोमेंटम कितना भाई, वेक्टर में अगर लिखोगे तो 2 cos t i कैप प्लस 2 sin t j कैप, ये मैंने वेक्टर में पूरा मोमेंटम लिख दिया एक्स और वाई। ये उसी तरह से जब मोमेंटम तुम्हें पता चल गया, तुम फोर्स भी निकाल लो, तो फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो आएगा वो डी मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस का डेरिवेटिव आएगा, ठीक है। तो मोमेंटम अलॉन्ग द एक्स एक्सिस कितना है, 2 cos t है, तो d/dt मोमेंटम अलॉन्ग 2 cos t i कैप है। तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो 2 cos का -sin t i कैप, दिस इज द फोर्स वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। उसी तरह से फोर्स वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो आ जाएगा वो dpy वेक्टर मोमेंटम अलॉन्ग द वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ से d/dt और वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 sin t j कैप, ठीक है ना। तो ये जो आएगा 2 + 2 sin, साइन का डेरिवेटिव cos, यहाँ से आ जाएगा साइन का डेरिवेटिव cos t, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जो हमें मिलने वाला है वो मिलेगा हमें 2 cos t j कैप, ठीक है ना। दिस इज द बेसिकली फोर्स वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो नेट फोर्स अगर तुम यहाँ देखोगे, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो सम होगा वो नेट फोर्स वेक्टर होगा ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे तो फोर्स वेक्टर आ जाएगा वो मैं लिखूँ एक्स एक्सिस में कितना है, -2 sin यहाँ से t i कैप, और वाई में है 2 cos यहाँ से t j कैप। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स वेक्टर। अब एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर के बीच, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू ab cos थीटा लगाते हैं। तो इनके बीच अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ किसी भी इंस्टेंट टी टाइम पे, तो मैं लेता हूँ p डॉट f। आई होप कि सबको डॉट प्रोडक्ट लेने आता होगा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, किसको किसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेसिकली। अगर तुम देखोगे यहाँ से i का i और j का j, तो i यहाँ 2 cos t है मोमेंटम में, और यहाँ है -2 sin t, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो -4 cos t sin t, ठीक है ना। नंबर मिलेगा भाई, नंबर मिलेगा, i i डॉट i 1 हो गया, यहाँ से 2 sin t और यहाँ से 2 cos t, तो ये मिलेगा +4 sin t cos t, ठीक ना। तो तुम देख रहे हो ये दोनों वैल्यू बराबर आ रही किसी भी टाइम, तो ये कट के हो गया 0। तो जब कभी भी डॉट प्रोडक्ट टू वेक्टर का अगर 0 होता है तो दे थीटा क्या होता है, 90 होता है। वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर, क्योंकि p डॉट f को मैं लिख सकता हूँ p f cos 90, तभी तो डॉट 0 होगा, तो थीटा 90 होगा। मतलब ये दोनों वेक्टर किसी भी इंस्टेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर फोर्स इधर होगा तो मोमेंटम इसका इधर होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री पर ऐसा कुछ मोशन हो रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सही सलूशन है, करेक्ट ए ऑप्शन सही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।